पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर देगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी बिजभूषण जी से डरते हैं कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। देखिए ये हमारे छाती चौड़ा करने का काम करती है। वो तो महाराज हमको आज पता चला एक अकेला बिजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी ने अपनी जमीर नहीं बेची होगी अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर बिजभूषण उनके लिए खास होंगे। अच्छा बिजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निकलो। कोर्ट के FIR मतलब आदेश से FIR तो हो गया लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यौन शोषण बृजभूषण जी ने किया, आज तक कोई FIR मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। स्मृति रानी जी जो महिलाओं का हितैषी कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की, एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोर्ट सुनिए, मैडम शांत रहिए, आप बोल लो, ऐसा करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, आप आज तक से हो, NDTV से हो, उनकी तरह से सुनिए, जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बिजभूषण जी से डरते हैं क्योंकि बिजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को अरे भैया मोदी जी सुना है कल मन की बात करने वाले हैं, मन की बात में पहलवानों की बात करेंगे? अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भोगने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जब यही महिलाएं, ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पर, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का या कोई कुछ और होता तो प्रधानमंत्री जी से ट्वीट निकलता है। गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा बिजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निकलो, वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो बिजभूषण जी के काम। अरे महाराज का है PT Usha जी, फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा के सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए, बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया, एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं, आते भी हैं जो अभी महिलाएं भी जीत रहे। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है, प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे कांग्रेस वालों ने बैठाया भैया, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है, वंदे मातरम, बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ बृजभूषण भगाओ। भैया एक चीज़ बताऊँ, बेटियों को बचाना है तो भैया बृजभूषण को हटाना, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे बृजभूषण तो कुछ भी कहेंगे, ये जातिवाद परिवारवाद वाद है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। बताइए मैडम प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है, करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है, जैसा अमित शाह के बेटे हैं नहीं है, पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं नहीं है, परिवारवाद इनका परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है और आप परिवारवाद कर रहे हैं। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। भैया हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था, तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी बिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। भैया गिरफ्तारी हो गई। अच्छा इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है, मैडम बेईमानी। आप लोग इतने भी अभी पत्रकार, सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है,
NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पर जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी, हैं मुर्दाबाद दिया था। अरे भैया, 12 मिनट का वो समय नहीं देते। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। वो सिक्का ही निकालेंगे, बिजभूषण को कब निकालोगे महाराज? बिरभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज बिजभूषण का क्या होगा? कह रहा बिजभूषण के ऊपर 48 पहले 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए, 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीर नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम नहीं करते होंगे, अगर बिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे, उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे, इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे वो। अरे मोदी एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए हम बिजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठेंगे, हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का, मैडम बता दो आप। अरे विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी, वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला बिजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है। हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए, महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया, छोड़िए से छोड़िए, मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारे छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं, महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जो लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। हाँ कर तो रहे हैं, बिजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिमियानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप संगर क्या महिला का सम्मान करता है? मैडम सुनिए, मनोज मित्तल क्या महिला का सम्मान करता है? गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान, सुनिए आप बताइए, बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ, बताइए बताइए। अरे हाँ उनके लिए, 24 का चुनाव बहुत जरूरी है, और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूँ खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है, इन महिलाओं ने इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। अरे मोदी जी हैं अभी पता है भैया, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन महिला इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, यही यही दिक्कत है पत्रकार। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्या बिजभूषण जी को इस्तीफा, इतने सुनिए इतने देर में बिजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसे दे देंगे? सुनिए चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो, चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, मैडम भरोसा है या नहीं है, कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं,
सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उठा लेगी ऐसे, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ, 38 से ज्यादा FIR हुआ, पता नहीं कौन सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और नाबालिग का केस है, तो वही नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे कर, तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिर, अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से, अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते ना, ट्वीट करते ना, आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है, स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है, जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है, अरे महाराज किसी का द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है, अरे महाराज उनका तो कम से कम ट्वीट आना चाहिए। इस साल ए भैया दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है, अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों, बिजली पानी अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है, और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर देगा।